Hello students, welcome to Virat's Biology and today we are going to discuss the compensation point. कि compensation point क्या होता है आज उसको समझेंगे. तो ये बहुत easy topic है कि compensation point के समय क्या होता है, आइए इसको देखते हैं. तो सबसे पहले अगर इसकी definition को देखें तो it is the point reached in plant when rate of photosynthesis becomes equal to the rate of respiration. अगर इसको हम इजी लैंग्वेज में समझें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि फोटोसिंथेसिस के समय पर प्लांट क्या करता है. तो फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट CO2 को एब्सॉर्ब करता है. तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट ने CO2 को एब्सॉर्ब किया और रेस्पायरेशन के दौरान प्लांट जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक करेगा और CO2 प्रोड्यूस करेगा. तो फोटोसिंथेसिस में CO2 एब्सॉर्ब होता है और रेस्पायरेशन में CO2 रिलीज होता है. और अगर इन दोनों प्रोसेसेस के दौरान CO2 का अमाउंट बराबर हो जाए तो उसको कहेंगे कॉम्पनसेशन पॉइंट. कि जितना CO2 लिया फोटोसिंथेसिस में उतना CO2 दिया रेस्पायरेशन में. सो देयर विल बी नो नेट एक्सचेंज ऑफ CO2. तो प्लांट जितना CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर से एब्सॉर्ब करेगा ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस उतना ही CO2 वो रेस्पायरेशन में रिलीज करेगा एंड देयर विल बी नो नेट एक्सचेंज. तो यहां पे क्या हो रहा है, जितना CO2 आया उतना CO2 गया. तो जब इन दोनों का अमाउंट बराबर हो गया तो तब इसको कहेंगे कॉम्पनसेशन पॉइंट. और इस समय पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पायरेशन के इक्वल माना जाता है. और यह होता कब है, जब लाइट इंटेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है. तो अगर इसका एक ग्राफ देखें तो यह है टाइम. तो जैसे दिन के समय धीरे धीरे हमारा जो सन है वो और ज्यादा ब्राइट होता चला जाता है. तो मॉर्निंग 6 AM ले, 8 AM, 10 AM, 12 AM, फिर उसके बाद 2 PM, 4 PM. तो इस तरीके से जब हम चलेंगे तो चलते समय क्या होगा, मिड टाइम पे जो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो रेट ऑफ रेस्पायरेशन के इक्वल हो जाएगा. तो ये टाइम ड्यूरिंग डे है, ये है हमारा रेट ऑफ रेस्पायरेशन, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन और अब ये आ गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इस पॉइंट पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पायरेशन दोनों बराबर हैं तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, कॉम्पनसेशन पॉइंट. तो कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या होता है, जब रेट ऑफ रेस्पायरेशन यानी कि रेट ऑफ CO2 रिलीज इक्वल हो जाता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के. दैट मींस द रेट ऑफ CO2 एब्सॉर्ब. तो जितना CO2 एब्सॉर्ब होगा उतना CO2 रिलीज भी होगा.
और इन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, पॉइंट्स ऑफ कॉम्पनसेशन। यानी कि ये पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि प्लांट जितनी CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही रिलीज भी कर रहा है, और ये पॉइंट ड्यूरिंग द डे टाइम अचीव होता है प्लांट बॉडी में लगभग 12 से 2 बजे के बीच। तो 12 टू 2 के बीच में ये पॉइंट अचीव होता है जब लाइट इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई होती है। तो ड्यूरिंग द हाई लाइट इंटेंसिटी ये पॉइंट हमें अचीव होगा, और शेड प्लांट्स के लिए यानी कि जो प्लांट शेडी एरियाज में ग्रो करते हैं उनके लिए इतनी लाइट चाहिए इस पॉइंट को अचीव करने के लिए। तो शेडी प्लांट्स के लिए 2.5 टू 100 फीट कैंडल्स की जो लाइट है वो लाइट इंटेंसिटी चाहिए ये पॉइंट अचीव करने के लिए, और जो प्लांट ब्राइट सनलाइट में ग्रो करते हैं उनके लिए 100 टू 400 फीट कैंडल्स की लाइट चाहिए इसके कॉम्पनसेशन पॉइंट को अचीव करने के लिए। और C3 प्लांट्स के लिए और C4 प्लांट्स के लिए जो CO2 का अमाउंट होना चाहिए दैट विल बी 25 टू 100 ppm फॉर C3 प्लांट एंड लेस देन 5 ppm फॉर C4 प्लांट। तो इतना अमाउंट ऑफ CO2 और ये अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए अगर आपको कॉम्पनसेशन पॉइंट को अचीव करना है। सो व्हाट इज कॉम्पनसेशन पॉइंट, द पॉइंट एट विच द अमाउंट ऑफ CO2 एब्जॉर्ब बिकम्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, एंड दिस पॉइंट इज अचीव्ड व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज हाई, एंड this much amount of light and this much amount of CO2 is required for achieving this point, and the at compensation point respiratory rate and photosynthesis rate both gets equal. Hope you have got this point. Thank you.